मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम ईवीएस आपकी ईवीएस बुक के चैप्टर 4 गेम्स एंड एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आवर टॉपिक इज गेम्स एंड एक्टिविटीज। आपको जैसे पता है कि हम जब स्कूल से वापस घर आते हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, होमवर्क करते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन स्कूल जाते हैं। तो ये उनका रेगुलर लाइफ होता है जिससे वो बोर भी हो जाते हैं। तो इस बोरिंग लाइफ को वो और कैसे इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, कुछ गेम्स के थ्रू कर सकते हैं। तो वो गेम्स कैसे कैसे हो सकते हैं, वो इंडोर गेम्स खेल सकते हैं या आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स क्या होते हैं, जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कैरम, चेस, लूडो। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, जो हम घर के बाहर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल। इसके अलावा और भी कई गेम्स होते हैं जो हम घर के बाहर खेल सकते हैं। तो अब इन दोनों गेम्स में क्या होता है, जो हमारा इंडोर गेम्स होता है वो हम बच्चों के माइंड को शार्प बनाता है, तेज बनाता है। वो अपने मोनोपोली को बढ़ाने का, अपने अधिकार को किस तरह से वो ले सकते हैं वो चीज़ सिखाता है, किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, वो माइंड को शार्प करता है। आउटडोर गेम्स क्या होता है, वो उनको फिजिकल एक्सरसाइज देता है जिससे उनका शरीर मजबूत होता है। तो ये दो तरह के गेम्स होते हैं जो बच्चे खेलना पसंद करते हैं। कोई भी गेम खेलने के लिए हम उन गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं। रूल्स किस तरह के होते हैं, रूल्स ये होते हैं कि कोई भी गेम जीतने के लिए नहीं खेलना है, आप उस गेम को एंजॉय करना सीखो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप खेल रहे हो तो आप ही जीतोगे, आपके सामने वाला प्लेयर या टीम भी जीत सकता है। तो आप कोशिश ये करो कि आप जब खेल रहे हो तो आप उसको एंजॉय करो। नो चीटिंग। देखो, चीटिंग को मैंने क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब है जब आप गेम खेल रहे हो चीटिंग नहीं करना है, ये रूल्स के खिलाफ होता है। कोई एक टीम ही जब कोई गेम खेलते हो तो कोई एक टीम जीतता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला जो टीम या प्लेयर है वो लूज़र है। कोई नेक्स्ट टाइम जब गेम खेलोगे तो वो हो सकता है वो जीत जाए। तो कभी भी जब वो कोई टीम जीत जाए तो आप उसको अप्रिशिएट करना सीखो कि अगर सामने वाला टीम जीत गया है तो आप उसको खुशी से अप्रिशिएट कर रहे हैं। विनर टीम का भी ये काम होता है कि जो सामने वाला लूज़र या टीम या प्लेयर है उसकी खुशी से उसके अप्रिशिएशन को एक्सेप्ट करें। ये नहीं है कि उसको वो टीज़ करे, टीज़ करना भी गलत होता है। तो ये कुछ गेम्स के रूल्स होते हैं जिसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, तभी आप गेम को इंजॉय कर सकते हो। सेटिंग डिस्प्यूट्स। सेटिंग डिस्प्यूट्स का मतलब होता है जब आप गेम खेलना शुरू करते हो तो सामने वाला टीम या प्लेयर जो है और आप दोनों मिलकर कुछ रूल्स बनाते हो जिसको बैठ के आप दोनों सेटल करते हो। तो शांति से किसी पॉइंट को, किसी बात को सेटलमेंट करना सिटिंग डिस्प्यूट होता है। इस सिटिंग डिस्प्यूट में आप किसी भी टॉपिक को उसके कास्टिसिज्म या जेंडर के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये भी रूल के खिलाफ है। तो किसी भी टॉपिक को आराम से बैठ के बातें कर लेना, उसको सेटल कर लेना। और अगर गेम्स के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है तो हम उसे बैठ करके और आपस में बातें करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये नहीं है कि उस झगड़े को लेके हम उसका और बड़ा इशू बना दें। अगर कोई बात होती है तो हम उसको, उस बात को किसी भी रिलीजन या कास्ट या जेंडर के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये भी रूल के खिलाफ है। सभी स्कूलों में स्टडी के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाई जा रही है जिसमें रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें स्पोर्ट्स एंड गेम्स खिलवाया जाता है, क्विज और डिबेट्स करवाए जाते हैं। तो जब हम ये जो स्कूलों में जो करवाए जाते हैं रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग, जिसमें क्या होता है कि बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उनका शरीर मजबूत होता है और उनके दिमाग भी तेज होते हैं। स्पोर्ट्स और गेम उनके शरीर को मजबूत बनाने के लिए करवाया जाता है। क्विज एंड डिबेट्स उनके दिमाग को शार्प करने के लिए करवाए जाते हैं जिससे उनका दिमाग शार्प होता है। तो ये सभी स्कूलों में आजकल करवाया जा रहा है। एक्टिविटीज आफ्टर स्कूल। जब आप स्कूल से घर वापस आते हो, स्कूल में आपने पढ़ाई की, थक गए, घर आने के बाद
खाना वाना खाने के बाद जब आप फिर कुछ रिफ्रेशमेंट रिफ्रेश होने के लिए चीज़ें ढूंढते हो तो आप गेम निकालते हो, गेम खेलते हो। तो आजकल बच्चे किस तरह के गेम्स खेलना पसंद करते हैं? काइट फ्लाइंग, पतंगे उड़ाना, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, जो आप लोग घर पे खेलते हो। इसके अलावा और भी कई गेम्स हैं जो बच्चे घर पे खेलते हैं स्कूल से आने के बाद। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों के दिमाग और शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो अब आपको समझ आया कि हमारा जो ये चैप्टर था गेम्स एंड एक्टिविटीज, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे किस तरह से गेम किस तरह के गेम्स को खेलते हैं, तो वो गेम्स किस कैसे हो सकते हैं, उन गेम को खेलने के लिए क्या रूल्स होना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि आप मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करो, इंडोर या आउटडोर गेम खेलो, जिससे आपका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी शार्प होगा। थैंक यू।